नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के हेल्प विद जेआरबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSTC एग्जाम 2019 के लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने YouTube चैनल जी के हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने, जैसमंद झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। तो दोस्तों, जैसमंद झील है वो है उदयपुर में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, जैसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया था। आपको याद रखना है किस नदी पर बांध बनाकर किया गया था, गोमती नदी पर। दोस्तों, जैसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं। डेबर झील, डेबर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण ही इसे डेबर झील कहते हैं। दोस्तों, इस झील में जल गिराने वाली नदियां गोमती, जावरी व केलवा। आपको याद रखना है गोमती, जावरी व केलवा, ये तीन नदियां हैं जैसमंद झील में जल गिराती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, इस झील में कुल टापू कितने हैं? सात है। आपको याद रखने हैं एक तो सबसे बड़ा टापू जिसका नाम है बाबा का भांगड़ा, इस पर आइलैंड रिसोर्ट स्थित है, और सबसे छोटा टापू जिसका नाम है प्यारी। एक तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू प्यारी, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में जैसमंद झील स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र, तो दोस्तों ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र है जयपुर, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, ब्लू पोटरी का जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत का। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म मऊ गांव सीकर में हुआ था, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप BSTC की तैयारी करें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो BSTC एग्जाम 2019 की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटाडू का कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनवाया गया है? सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, और इसका निर्माण किसने करवाया? रावल गुलाब सिंह ने, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाटाडू का कुआं जो बाड़मेर में स्थित है, इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने करवाया था। इसे थार का जल महल भी कहते हैं। थार का जल महल किसे कहते हैं? तो बाटाडू का कुएं को, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके पास था? तो दोस्तों, मुगल सेना का नेतृत्व था वो था कुंवर मान सिंह के पास, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। ये डेट याद रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हल्दीघाटी नामक स्थान जो कि राजसमंद जिले में स्थित है वहां पर हुआ था। किन किन के मध्य? अकबर का सेनापति कुंवर मान सिंह और मेवाड़ महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, कहाँ बनता है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जब दोस्तों ये कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो राजस्थान में भूभुलैया चलते हैं, जो रेत के भूतपुतलिया चलते हैं वो इसी के कारण चलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारिकाधीश का मंदिर स्थित है दोस्तों कांकरोली में, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर
तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब तक जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है वो बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब तक जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पठानकोट से लेकर कांडला तक है। इसमें राजस्थान के 6 जिले आते हैं, 6 जिले, लेकिन मुख्यतः 4 नगरों से होकर ये गुजरता है, जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 4 नगरों के मध्य से होकर ही राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गुजरता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, NH 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंबल के प्रवाह के संबंध में कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों चंबल नदी है जो राजस्थान की बारहमासी नदी है, इसके प्रवाह के क्रम में जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए महू, कोटा, बूंदी, धौलपुर, इटावा। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम होता है जानापावा की पहाड़ियाँ, जिला महू, मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? जानापावा की पहाड़ियाँ, जिला महू, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसके बाद जो राजस्थान में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चौरासीगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले का स्थान है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले का स्थान है और राजस्थान के 6 जिलों में से यह गुजरती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मऊ जहाँ से उद्गम हुआ, फिर कोटा, फिर बूंदी, धौलपुर और अंत में विलोपन होता है इटावा नामक स्थान पर। यह यमुना नदी में मिल जाती है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों। एक तो बांध है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है गांधी सागर बांध, 3 बांध राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज और जवार सागर। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मरु राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित मुख्य वन्य जीव का नाम है? मरु राष्ट्रीय उद्यान जो कि जैसलमेर में स्थित है, यहाँ पर संरक्षित मुख्य वन्य जीव का नाम है गोडावन, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गोडावन है दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है और इसके जो मुख्य संरक्षित जो क्षेत्र है वो है मरु राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3162 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर काष्ठ के जीवाश्म मिले हैं जो कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका वुड फॉसिल पार्क है वो मरु राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10वां है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बिसलपुर बांध है वो है बनास नदी पर स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले का युग्म राजस्थान में कथा, अकेसिया, कटेचू का मुख्य उत्पादक है? तो दोस्तों अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक जिले है वो है कोटा एवं चित्तौड़गढ़, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कथा जिसे खेर भी कहते हैं, इसका बोटेनिकल नाम है केसिया कटेचू और इसका जो उत्पादक प्रमुख जिले है वो कोटा एवं चित्तौड़गढ़, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बाड़मेर सांचौर बेसिन है पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पेट्रोलियम के 3 प्रमुख कुएं हैं, भाग्यम, ऐश्वर्या और मंगला, तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि भाग्यम, ऐश्वर्या और मंगला ये किस बेसिन के अंतर्गत आते हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत आते हैं, जो कि पेट्रोलियम के प्रमुख कुएं, यानी तेल के प्रमुख कुएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के लोक देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है? तो दोस्तों पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी, और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे और इनकी जो रचना है वो है 24 बाणियां। तो ये आपको ध्यान रखना है, 24 बाणियां किन की रचना है? रामदेव जी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथ माता का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? तो दोस्तों चौथ माता का जो प्रसिद्ध मेला है वो लगता है माघ माह में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चौथ माता का जो मुख्य स्थल है वो है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। आपको याद रखना है दोस्तों चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर चौथ माता का मुख्य स्थल है। इन्हें कंजर जाति की कुलदेवी भी कहते हैं। कंजर जाति की कुलदेवी किसे कहते हैं? चौथ माता को। तो
तो आपको ये याद रखना है। तो चौथ माता का प्रसिद्ध मेला माघ माह में लगता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो दोस्तों दावड़ी जो बोली है वो है उदयपुर क्षेत्र की, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उदयपुर क्षेत्र की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? आपको ये बताना है दोस्तों, चंबल नदी है ये कौन से जिले में नहीं बहती है इन ऑप्शनों में से? तो दोस्तों कोटा में ये बहती है, करौली में भी बहती है, सवाई माधोपुर में भी बहती है, लेकिन बारा जिले में चंबल नदी नहीं बहती है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चंबल नदी दोस्तों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 6 जिलों में चंबल नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल किस स्थल को माना जाता है? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है सोनथी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वो सोनथी है दोस्तों, इसे प्रथम कालीबंगा भी कहते हैं, जो कि राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है दोस्तों। लेकिन कालीबंगा जो सभ्यता है ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1951 में अमलानंद घोष ने, और यहाँ पर जो उत्खनन के कार्य किया गया था वो किया गया 1961-62 में बीबी लाल एवं बीके थप्पर द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल व बीके थप्पर द्वारा। और यहाँ पर भूकंप के सर्वप्रथम साक्ष्य है, और जुते हुए खेतों के भी यहाँ पर सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो आपको याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है सोनथी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों नीमड़ा हत्याकांड है एक ही आंदोलन से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एक ही आंदोलन से नीमड़ा हत्याकांड संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फारसी इतिहासकारों ने किस राजा को हसमत वाला राजा कहा है? हसमत वाला राजा, तो दोस्तों फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला राजा है दोस्तों। हसमत वाला राजा मतलब यश वैभव वाला राजा दोस्तों। राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। कितने युद्धों का? 52 युद्धों का। इनके दोस्तों दो प्रमुख सेनापति थे, जेता और कूपा। जेता और कूपा इनके दो प्रमुख सेनापति थे, जो गिरिशमेल के युद्ध में शहीद हो जाते हैं दोस्तों। राव मालदेव को बदायूं ने भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहा है, भारत का पुरुषार्थी राजकुमार बदायूनी ने कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 84 खंभों की छतरी स्थित है। ऑप्शन है अलवर में, बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में। तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी है बूंदी में स्थित। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है, बूंदी के देवपुरा गांव में। दोस्तों ये 3 मंजिला छतरी है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस छतरी का निर्माण है वो दोस्तों अनिरुद्ध सिंह हाडा ने अपने भाई देवा की स्मृति में करवाया था। तो आपको याद रखना है, 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ बाग के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों बागड़ बाग के नाम से मणिबेन पंड्या प्रसिद्ध थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बागड़ बाग के नाम से मणिबेन पंड्या प्रसिद्ध थी। दोस्तों मणिबहन पंड्या ये भोगीलाल पंड्या की पत्नी थी। किन की पत्नी थी? भोगीलाल पंड्या की। और भोगीलाल पंड्या को दोस्तों बागड़ का गांधी भी कहते हैं, और मणिबहन पंड्या जो मूलतः गुजरात की निवासी थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? तो दोस्तों डाकनिया प्रथा पर रोक है वो सर्वप्रथम उदयपुर राज्य द्वारा लगाई गई थी, और कब लगाई गई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम उदयपुर राज्य द्वारा लगवाई गई थी। उस समय उदयपुर के शासक कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह, जो कि 1857 की क्रांति के समय भी महाराणा स्वरूप सिंह ही शासक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी उत्साह मिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की जन्मभूमि पोकरण एवं क्रम भूमि ब्यावर रही है? दोस्तों जन्म तो पोकरण में हुआ है और क्रम भूमि वो ब्यावर रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेठ दामोदर दास राठी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण जैसलमेर में हुआ और इनकी जो क्रम भूमि है वो ब्यावर रही है। यहाँ ब्यावर में ही दोस्तों 1889 ईस्वी में इन्होंने कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की थी। कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो दोस्तों महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध दोस्तों 1517 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा विजय रहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन हुआ? तो दोस्तों राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन जोधपुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ? 1912 ईस्वी में, ये आपको याद रखना, 1912 ईस्वी में राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। जमनालाल बजाज को दोस्तों गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को। गोकुल भाई भट्ट को बगड़ का गांधी कहते हैं, बगड़ का गांधी नहीं दोस्तों, राजस्थान का गांधी, भागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पंड्या को, लेकिन गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बनेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों बनेश्वर धाम है वो है सोम माही और जाखम, इन तीन नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों एक नदी जिसका उद्गम भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से होता है, जिसका नाम है जाखम, और एक नदी जिसका उद्गम उदयपुर से होता है, जिसका नाम है सोम, और एक नदी जो मध्य प्रदेश से आती है, जिसका नाम है माही। यहाँ पर जो धाम स्थित है उसका नाम है बनेश्वर धाम। बनेश्वर धाम किस स्थान पर स्थित है? नवाटापुरा, डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव के पास ही ये धाम है स्थित है। दोस्तों यहाँ पर तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है, त्रिवेणी संगम, इस त्रिवेणी संगम पर ही बनेश्वर धाम स्थित है। दोस्तों भारत के एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा यहाँ पर की जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो जाखम नदी है ये सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ को दो बराबर भागों में बांट कर आती है, यानी मध्य से होकर जाखम नदी आती है। और माई नदी के बारे में आपको बता दिए दोस्तों, उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है और कर्क रेखा को दो बार काटती है, और कर्क रेखा की जो राजस्थान में कुल लंबाई है वो है 26 किलोमीटर, और दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है हाथी मना, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाथी मना विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जो कि बेलों द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो दोस्तों गीत गोविंद जो चित्र है वो है मेवाड़ शैली का, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मेवाड़ शैली का गीत गोविंद चित्र है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है? तो दोस्तों सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों एक तो तीज होती है छोटी तीज, एक होती है बड़ी तीज। छोटी तीज दोस्तों श्रावण माह में आती है, श्रावण माह में, और बड़ी तीज आती है भाद्रपद माह में। छोटी तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ये ध्यान रखना दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया को। लेकिन बड़ी तीज है जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं,
इसे बुढ़ी तीज भी कहते हैं। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। श्रावणी तीज या छोटी तीज है, ये तो दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन सातुड़ी तीज या बड़ी तीज जिसे कजली तीज भी कहते हैं, ये कहाँ की फेमस है? ये बूंदी की फेमस है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो दोस्तों जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में सुवांग्या देवी की पूजा करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। दोस्तों सुवांग्या देवी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सुवांग, मुड़ा हुआ भाला, इसी के कारण इन्हें सुवांग्या देवी कहते हैं, यानी भाटियों की कुल देवी है ये। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा समाज का उर्स कब कहाँ बढ़ता है? बोरा समाज का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में बढ़ता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है, तो गलियाकोट डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागमंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों रागमंजरी एवं रागमाला के प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता थे पुंडरिक विट्ठल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, पुंडरिक विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण हत्ता क्या है? तो दोस्तों रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रावण हत्ता एक प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य मतलब तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवीणा व लिल्टास जैसी अमर रचनाओं के रचयिता है? तो दोस्तों अग्निवीणा व लिल्टास जैसी अमर रचनाओं के रचयिता है कन्हैया लाल सेठिया, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कन्हैया लाल सेठिया की रचना है अग्निवीणा व लिल्टास। चलते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपके सामने, सर्वाधिक रन या टाट का विस्तार राजस्थान के किस जिले में है? सर्वाधिक रन या टाट का विस्तार, ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।